नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज है 4 अक्टूबर 2019 और एक नया नोटिस जारी किया गया है DSSSB की तरफ से अब से कुछ देर पहले ही। तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं DSSSB की आज की लेटेस्ट अपडेट। अपडेट देखें उससे पहले एक बात और, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि आपको रेगुलरली DSSSB की अपडेट्स मिलती रहे और जो नई गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स आती हैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, ये DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है DSSSB.delhi.gov.in। तो यहाँ पे ये नया नोटिस जारी किया गया है। नोटिस कुछ इस प्रकार से है, डेट देखिए 4/10/2019। तो ये है रिजल्ट नोटिस नंबर 831, ट्रांसलेटर उर्दू, पोस्ट कोड है 65/15। तो इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी थी, 13/7/2019 को ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। पूरे 11 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ये एग्जाम दिया, उन सभी के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। वो अपने मार्क्स DSSSBonline.nic.in पे अपने अकाउंट में लॉग इन करके चेक कर सकते हैं। और इन 11 में से सिर्फ एक कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए तो उनका हो गया है इसमें सिलेक्शन, क्योंकि वैकेंसी भी इसमें एक ही थी। दो कैंडिडेट्स और भी थे जो क्वालिफाई कर पाए थे, पर उनमें से एक अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट था और एक ओबीसी आउटसाइडर था। और जो ये वैकेंसी थी ये सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के लिए थी, ओबीसी कैटेगरी से क्वालिफाई करने वाले सिर्फ एक कैंडिडेट थे तो उनका इसमें सिलेक्शन कर लिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, यही एक छोटी सी अपडेट आई थी DSSSB की तरफ से निकल के, जो आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर की गई है। धन्यवाद।